अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे एक बार फिर से आने के लिए, और आप सभी को रमज़ान मुबारक हम मेरे और मेरी फैमिली के तरफ से। तो यहाँ पर इफ्तारी के लिए एकदम शानदार और बेहतरीन शरबत लेके आए, जो कि कस्टर्ड जैली शरबत। तो इसको जानने के लिए पूरी रेसिपी ज़रूर देखना, और एक चीज़ जो कि सीक्रेट है वीडियो में, तो आपको एंडिंग में बताऊँगा। तो प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर सबसे पहले 2 टेबल हम लोग ने सब्जा सीड्स ले लिया, और उसमें अभी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए पानी के अंदर, और ये काफ़ी शरीर के लिए अच्छा भी है और ठंडक देता है। तो अभी इसको साइड पे रख देंगे मिक्स करने के बाद में। यहाँ पर हमने एक इंस्टेंट जेली ले लिया है। इस जेली के अंदर 2 चीज़ें, एक शुगर है और एक पाउडर है इंस्टेंट जेली के लिए। तो यहाँ पर आप शुगर देख सकते हो, और यहाँ पर हमने पाउडर भी ऐड कर दिया है। अभी इसके अंदर 1/2 लीटर वाटर जाएगा, पानी ऐड करेंगे, और ये स्टोव पे नहीं है, याद रखो। एडिंग और मिक्सिंग प्रोसीजर जो है वो स्टोव पे नहीं है। यहाँ पर जैसे ये इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये जो वेसल है उसको स्टोव पे रख देंगे, और इसको अच्छे से जब तक ये बॉईल नहीं हो जाता और ये मिक्स नहीं हो जाता है, इसको कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। और जैसे ही बॉईल हो जाता है, ये रेडी है जेली के लिए। तो जो भी प्लेट में या जो भी वेसल में आपको जेली प्रिपेयर करना है बनाने का, उसमें ये मिक्सर को उसमें कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने 2 प्लेट्स ले लिया है, क्योंकि 2 कलर्स हम लोग ले गए अलग अलग। कॉम्बिनेशन कैसा है कलर का, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। और जैसे ही कलर्स हम मिक्स कर देंगे उसके अंदर ऐड करने के बाद में, तो ये जेली इसको थोड़ी देर साइड पे रख देंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। जैसे ही हो जाता है उसको फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। जैसे कि स्टार्टिंग में बोला कि कस्टर्ड जेली शरबत है, तो इसमें ऑब्वियसली कस्टर्ड ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने छोटा सा बाउल ले लिया, और उसमें 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर हमने ऐड कर दिया है। कस्टर्ड पाउडर के ऐड करने के बाद में हमने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, और ये मिल्क ऐड करने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जैसे ही मिक्स हो जाता है इसको साइड पर रख देंगे। तो अभी यहाँ पर मम्मी ने जो है बड़ा बाउल ले लिया, उस बड़े बाउल के अंदर यहाँ पर 500 ml मिल्क, जो कि 1/2 लीटर मिल्क है, उसको ऐड कर दिया। और जो मिक्सर अभी जस्ट बनाए थे मिल्क प्लस कस्टर्ड पाउडर का, वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, हमने ऐड कर दिया मिल्क के अंदर, 1/2 लीटर मिल्क के अंदर। और यहाँ पर हमने 1/2 कप शुगर ले लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद में याद रखें कि ये एडिंग और मिक्सिंग प्रोसीजर जो है वो स्टोव पे नहीं है। यहाँ पर भी अभी जैसे ही मिक्स हो जाता है अच्छे से, यहाँ पर हमने डीप वेसल ले लिया, और जो मिक्सर था अभी जस्ट बनाए थे आपको स्क्रीन पे बताए थे, वो इस वेसल के अंदर डाल देंगे, और यहाँ पर लो फ्लेम पे इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक ये अच्छे से बॉईल नहीं हो जाता है। और याद रखें कि इसे थोड़ी थोड़ी देर में मिक्स करते रहे, इसे हिलाते रहे, ताकि ये नीचे चिपक ना जाए, और चिपक जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा, कस्टर्ड ख़राब हो जाए। और शरबत बना रहे तो कस्टर्ड यहाँ पर थिक नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर आप क्वांटिटी जो है थिकनेस देख सकते हो आप। जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने कस्टर्ड को थोड़ी थोड़ी देर में इसको मिक्स करते जा रहे थे ताकि वो नीचे स्टिक ना हो, और यहाँ पर कस्टर्ड जो है वो बॉयल हो चुका है, और यहाँ पर ये शरबत के लिए रेडी हो चुका है। अभी इसको रूम टेम्परेचर के बाद में इसको 4 घंटा फ्रीज में रख देंगे। 4 घंटे के बाद में आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारी जेली, जो कि सब्जा भी पहले भिगोए थे वो भी, और कस्टर्ड भी रेडी हो चुका है। और यहाँ पर सब्जा सीड्स, जो कि शरीर के लिए सच में काफ़ी ठंडक देता है, और गर्मी का भी अभी टाइम चल रहा है,
यहाँ पर कस्टर्ड भी आप देख सकते हो कि काफ़ी ठंडा है अभी, और ये शरबत के लिए रेडी है। कस्टर्ड का थिकनेस भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वैसे के वैसे ही है जो बनाने के टाइम पे था। यहाँ पर अभी जेली को कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, या फिर आपकी मर्ज़ी, शरबत के लिए तो छोटे छोटे पीसेस ही अच्छे लगते हैं, तो इसको कट्स करेंगे और शरबत प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर शरबत के अंदर जो कि हमने बर्फ़ भी ऐड कर दिया और काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ग्रीन कलर की जेली जो कि कहाँ से लाए, तो सेम प्रोसीजर था, सेम वही था कि, और लेकिन हमने खाली कलर अलग बनाया था और आपको नहीं बताया ग्रीन कलर, क्योंकि वो थोड़ा अलग करने का था वीडियो में। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड जेली शरबत रेडी हो चुका है। यहाँ पर जो है हमारा कस्टर्ड जेली शरबत रेडी हो चुका है, आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना। और रमज़ान का टाइम चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान स्पेशल ही है ये रेसिपी, आप गर्मी में भी इसे बना सकते हो। और ये लुक इसका देख सकते हो, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, इसमें कस्टर्ड का भी टेस्ट आता है और लीची फ्लेवर हमने यूज़ किया था तो लीची का भी अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो इसे ज़रूर घर पे ट्राई करना, और आप चाहो तो हमें पिक क्लिक करके इंस्टाग्राम पे या तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी तो भेज सकते हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और दुआओं में याद रखना हमें।